लाइव पर देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। चक्रवात निसर्ग के अलर्ट के बीच पीएम मोदी ने गुजरात व महाराष्ट्र के सीएम को किया फोन। अरब सागर में उठे चक्रवात निसर्ग के अलर्ट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र व गुजरात के मुख्यमंत्री क्रमश उद्धव ठाकरे व विजय रूपानी से बात की और हालात का जायजा लिया। उन्होंने दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली के प्रशासकों को भी फोन किया। प्रधानमंत्री ने सभी जरूरी सहायता देने का आश्वासन दिया है। चक्रवात निसर्ग के चलते महाराष्ट्र में हुई 3 लोगों की मौत, डिप्रेशन में हुआ तब्दील। चक्रवाती तूफान निसर्ग से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में बुधवार को महाराष्ट्र में 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 1 अलीबाग और 2 पुणे के थे। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ पहुंच चुका निसर्ग अब डिप्रेशन में तब्दील हो गया है और अभी उसकी रफ्तार 35 से 45 किलोमीटर घंटा है, जो अगले 12 घंटे में और कमजोर हो जाएगा। महाराष्ट्र में क्वारंटाइन नियम तोड़ शादी समारोह में पहुंचा कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र के जालना में एक शख्स होम क्वारंटाइन के नियम तोड़कर एक शादी समारोह में शामिल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल क्वारंटाइन पीरियड में जिस दिन शख्स का सैंपल टेस्ट के लिए गया, उसी दिन वह शादी समारोह में पहुंचा था और बाद में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS News Live के साथ। नमस्कार।